अंडर 10,000 के प्राइस में एक न्यू 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है, मोटो G34। बजट प्राइस में बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ में स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है इंडिया में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे इसके फुल फीचर्स के बारे में, प्राइस के बारे में, और ये भी बताएंगे कि ये स्मार्टफोन अंडर 10,000 के प्राइस में आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। इसी तरह का टेक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें काफी सपोर्ट मिलता है एक अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। शुरुआत करते हैं इसके अनबॉक्सिंग से। डब्बा में 20 वाट का एडेप्टर मिलेगा, टाइप ए टू टाइप सी केबल मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। बैक में बेगन लेदर मिलेगा, इन हैंड फील इस स्मार्टफोन का काफी अच्छा है। साथ में डॉल्बी एटम का सपोर्ट मिल जाएगा, साइड में माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, और ये डुअल 5G बैंड का सपोर्ट करता है। 6.5 इंचेस का 120Hz पंच होल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है। इसमें फुल HD डिस्प्ले तो नहीं दिया गया है, साथ में पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का चिपसेट मिल जाता है, और ये डुअल 5G बैंड को सपोर्ट करता है। साथ में UFS 2.2 का स्टोरेज मिल जाता है, LPDDR4X का रैम मिल जाता है। साथ में एंड्रॉयड 14 मिलेगा, साथ में 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा, 1 साल का एंड्रॉयड अपडेट मिल जाएगा। अगर इस प्रोसेसर की बात करें तो भी अंडर 20,000 के प्राइस में जो भी 5G स्मार्टफोन आते हैं उसमें ये प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, जिसके साथ में कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में। रियर में डुअल कैमरा का सेटअप मिलेगा, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर है। इसके अंदर अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर नहीं दिया गया है, लेकिन इसके कैमरे से जो फोटो खींचे जाते हैं उसमें कलर्स और डिटेल्स वगैरह काफ़ी अच्छे आते हैं। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, और इस सारे कैमरे से भी फुल HD वीडियो को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 20 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है, 5000mAh की बैटरी मिल जाती है। अब हम बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज की प्राइस 10,999 है। वहीं इसका एक दूसरा वेरियंट आता है 8GB प्लस 128GB की प्राइस 11,999 है। लेकिन इस स्मार्टफोन को ऑफर्स वगैरह में परचेस करते हैं, लेकिन कार्ड वगैरह अप्लाई करके ये स्मार्टफोन अंडर 10,000 के प्राइस में परचेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस स्मार्टफोन को आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, अंडर 10,000 के प्राइस में सबसे पहले इसका डिज़ाइन की बात करें तो बैगन लेदर का फिनिश मिल जाता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि अभी के प्राइस में काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। अभी के जो अंडर 20,000 के प्राइस में आते हैं 5G स्मार्टफोन उसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, और साथ में एंड्रॉयड 14 के साथ में आता है, जो कि अंडर 10,000 के प्राइस में आपको किसी भी स्मार्टफोन में नहीं मिलेगा। अगर आपका बजट इस टाइम अंडर 10,000 है और इस प्राइस में स्टॉक एंड्रॉयड के साथ में एक पावरफुल 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो मोटो G34 को जरूर से आप कंसीडर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।